भारतीय जनता पार्टी के नेता हर बार पार्टी में सब कुछ सही होने का दावा करते रहे, लेकिन एक बार फिर से पार्टी विद द डिफरेंस में पोस्टर वॉर की सुपुगाहट सुनाई पड़ रही है। बीते दिनों हुए सेवा सप्ताह में पार्टी के पोस्टर से दिग्गज नेता वसुंधरा राजे का चेहरा गायब रहने के बाद पोस्टर वॉर की चर्चा हो रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है, जो काम करता है उसका पोस्टर तो जनता के मन पर छप जाता है। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा सप्ताह के रूप में मनाया, तो इन सब के दौरान पोस्टर पर राजस्थान के नेताओं में सिर्फ सतीश पुनिया और गुलाबचंद कटारिया का चेहरा दिखाई पड़ा, जो अब राजस्थान की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत घमासान के बाद अब कांग्रेस से हटकर सचिन पायलट गहलोत की लड़ाई से हटकर भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी कलह राज्य में चर्चा का विषय बन रही है। कार्यकर्ताओं में पोस्टर से वसुंधरा राजे का चेहरा गायब हो जाने को लेकर चर्चा रही है कि बीते साल पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर में वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौर की तस्वीर थी, लेकिन अब दोनों के चेहरे पोस्टर से गायब हैं। सेवा सप्ताह के समापन के दिन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान भी केवल सतीश पुनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की फोटो दिखाई पड़ी। इन चर्चाओं पर गुलाबचंद कटारिया कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष के नाते पार्टी ने उनका फोटो लगाया तो इस पर पार्टी का आभार। नेता प्रतिपक्ष ने वसुंधरा राजे का फोटो नहीं होने पर दलील देते हुए कहा, इससे पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का फोटो लगाने की परंपरा नहीं रही। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सतीश पुनिया का फोटो तो पोस्टर में लगना ही था। साथ ही कटारिया ने यह भी कहा, किसी का चेहरा पोस्टर में है या नहीं, इसे ईगो का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। दो टूक शब्दों में कटारिया ने कहा, जो नेता काम करते हैं उनका चेहरा तो जनता के मन में छप जाता है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।